हमारे चैनल पर और मैं आधुनिक भारत के इतिहास के उस पन्ने की तरफ जा रही हूं जब भारत में कंपनी शासन चल रहा था। जैसा कि हम जानते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापार करने के लिए आई थी और किस तरह धीरे धीरे उसने यहाँ के राजनीति में अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिया। हमने देखा किस तरह पलासी का युद्ध हुआ, बक्सर का युद्ध हुआ, इनके द्वारा बंगाल पर सीधा अधिकार हो गया कंपनी का। अब तक सिर्फ व्यापारिक कार्यकलाप चलता था, अब यहाँ उनकी राजनीतिक क्रियाकलाप भी शुरू हो गई। बंगाल का जो गवर्नर था, बाद में हम देखते हैं कि जो एक्ट बना उसके अनुसार वह हर जगह का, मतलब उसका जो क्षेत्र था वहां का वह गवर्नर जनरल बन गया। तो जब भारत में कंपनी ने बंगाल पर अपना अधिकार किया, उसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिटिश सरकार भी कंपनी के साथ प्रत्यक्ष रूप से जुड़ गई, क्योंकि कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने ही यहां व्यापार करने की अनुमति दी थी 15 साल के लिए। अब जब यहाँ कंपनी राजनीतिक हस्तक्षेप में लग गई और यहाँ उसने अपना वर्चस्व फैलाने का प्रयास करने लगे और उसमें सफल होने लगे, तो ऐसे में ब्रिटिश सरकार ने अपना हाथ उधर बढ़ाया। क्यों? क्योंकि इन क्षेत्रों पर, भारत के इन प्रांतों पर वह अपना अधिकार कर सके और भविष्य में पूरे भारत पर अपना नियंत्रण कर सके, यह उसके मन में कहीं ना कहीं थी। और इसकी शुरुआत हुई, भारत में गवर्नर जनरल की नियुक्ति होने लगी जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा होती थी। हमें यह बात विशेष रूप से जानना चाहिए कि 1757 से पलासी के युद्ध के बाद से 1857 तक, यानी 100 साल तक, भारत में जो अंग्रेज अधिकारी गवर्नर जनरल के रूप में जाने जाते थे, वह सैनिक विद्रोह यानी सिपाही विद्रोह के बाद वह वायसराय कहे जाने लगे। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कंपनी शासन में जो ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि भारत में थे, वह गवर्नर जनरल कहे जाते थे। तो आज मैं कुछ गवर्नर जनरल के कार्यकाल के बारे में बताऊंगी, कुछ, क्योंकि 100 साल में बहुत सारे गवर्नर जनरल आए और गए, लेकिन कुछ गवर्नर जनरल ने कुछ ऐसे काम किए जो हमें जरूर जानना चाहिए। तो चलिए, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंपनी काल में किन गवर्नर जनरल ने क्या काम किए अपने समय में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं रॉबर्ट क्लाइव। ये 1757 में गवर्नर बने थे बंगाल के। और हम देखते हैं कि किस तरह पलासी के युद्ध में उसने सिराजुद्दौला को हटा दिया नवाब के पद से, अपना मनचाहा व्यक्ति मीर जाफर को बना दिया नवाब बंगाल का। क्यों? क्योंकि वह उसके अनुसार काम करे। यहीं पे हम देखते हैं कि क्लाइव ने राजनीतिक हस्तक्षेप को प्रत्यक्ष कर दिया। इसीलिए कहा जाता है कि भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अगर कोई था तो वह है रॉबर्ट क्लाइव। हमें ये याद रखना होगा कि रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में पहली बार राजनीतिक हस्तक्षेप किया और वहां सफलता पाई, और इसके साथ ही भारत में ब्रिटिश
राज्य का वास्तविक संस्थापक वह कहा गया। इसका समय 1757 से 1767 तक भारत में था। यह दो बार भारत आया और जब ये शुरू में भारत आया उस समय ये एक साधारण लिपिक या क्लर्क के पद पे था, लेकिन इसमें सैनिक अभिरुचि इतनी अधिक थी कि उसने सेना में ज्वाइन किया और कर्नाटक युद्ध में इसने अपनी जो सैनिक प्रतिभा थी वह दिखाई। तो इस तरह से क्लाइव जो है ब्रिटिश सरकार का एक बहुत अच्छा एक विश्वास पात्र और एक योग्य व्यक्ति बन गया, इसलिए इसे भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया था। अब हम बात करते हैं लॉर्ड हेस्टिंग्स की। क्लाइव के जाने के बाद हमने देखा कि किस तरह क्लाइव ने शासन व्यवस्था में नवाब की का जो शासन व्यवस्था था उसमें सुधार किया था, और जैसी व्यवस्था क्लाइव ने तैयार की थी बनाई थी वह व्यवस्था क्लाइव के जाने के बाद नहीं रह पाई थी। बंगाल में पूरी तरह से लूट खसोट का माहौल व्याप्त था, हर जगह रिश्वतखोरी भ्रष्टाचार ये सारा कुछ फैला हुआ था। ऐसे में बहुत दिन तक 67 से लेकर के हम कहें 73 तक स्थिति बहुत खराब थी। वॉरेन हॉस्टिंग्स जब यहाँ आए तब उन्होंने यहाँ पर ऐसे काम किए जो उस समय कंपनी के लिए भी बहुत फायदेमंद थे, कुछ हद तक यहाँ के लोगों के लिए भी वो फायदेमंद थे। इसमें हम क्या देखते हैं कि उन्होंने शासन में सुधार किया। शासन में क्या सुधार किया? द्वैध शासन प्रणाली को जो है इसने खत्म किया। द्वैध शासन प्रणाली को उसने समाप्त किया और लगान जो वसूला जाता था उसमें भी जो आमिल या आमीन थे उसका भी वर्चस्व बढ़ा हुआ था उस पर भी कंट्रोल किया। न्याय व्यवस्था में उसने सुधार किया क्योंकि जिला जो जो कलेक्टर होते थे जिला के वो न्याय करते थे। अब इनका कहना था कि जो गलत कर रहा न्याय कर रहा है उसी से हम न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं, और इस तरह उसने दीवानी फौजदारी को अलग किया, जो कर राजस्व से संबंधित काम करता है उसको अलग किया। इस तरह से हम देखते हैं न्याय के क्षेत्र में लगान के क्षेत्र में उसने बहुत अधिक काम किया। अर्थव्यवस्था, जैसा कि कंपनी यहां पे क्यों आई थी कमाने के लिए, लेकिन जब यहां बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित हो गया तो कंपनी में जो काम करते थे वो अपने हित की बात सोचने लगे। वो खुद रिश्वत करते थे, भ्रष्टाचार का रास्ता अपनाते थे और अपनी जेब गरम करते थे। कंपनी के प्रति उनकी जो है वो उदासीनता साफ साफ दिख रही थी। कंपनी को इससे लाभ नहीं हो रहा था। इस चीज को वॉरेन हेस्टिंग्स ने देखा और इस पे लगाम लगाने की कोशिश की, और उसी के अंतर्गत हम देखेंगे कि उसने लगान व्यवस्था में सुधार किया, न्याय व्यवस्था में सुधार किया, क्योंकि वो जो टैक्स लेने की व्यवस्था थी वह थोड़ी गलत थी। उस पर आज हम बहुत अधिक विस्तार से चर्चा नहीं करेंगे। जब हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पढ़ाएंगे तब हम बताएंगे कि उसने लगान व्यवस्था में क्या सुधार किया था। सार्वजनिक सुधार, जैसे कि मैंने बताया कि क्लाइव के आने के इतने दिन बाद और भी गवर्नर जनरल आए थे जिन्होंने बहुत अच्छी तरीके से प्रशासन पर ध्यान नहीं दिया था, सही तरीके से उन्होंने व्यवस्था नहीं की, जिसके कारण पूरे क्षेत्र में अस्त व्यस्त स्थिति हो गई थी। जैसा कि मैंने बताया सरकारी क्षेत्र में ये जो भ्रष्टाचार है, रिश्वतखोरी है, ये सब फैला हुआ था। साथ ही साथ लूट मार, चोरी, डकैती,
ये भी बहुत ज्यादा हो गई थी। ऐसे समय में हेस्टिंग्स ने ये सुधार किए, पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया, दंड व्यवस्था को मजबूत किया, जिससे समाज में और खासकर कंपनी को, क्योंकि कंपनी के विरुद्ध भी बहुत सारे संगठन थे जो उत्पात मचाया करते थे, अंग्रेजों को डराया करते थे, धमकाया करते थे, साथ ही साथ भारतीय जनता को भी, जो भारत के थे उसको भी वो परेशान करते थे। लेकिन हेस्टिंग्स ने अपनी सुरक्षा देखते हुए सभी के लिए एक कल्याण का काम कर दिया। अब हम बात करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस। 1786 से 93 तक ये यहाँ थे। बहुत ही फेमस गवर्नर जनरल जिसने शक्ति पृथककरण का नियम अपनाया। शक्ति पृथककरण का नियम क्या था कि शक्ति को किसी एक जगह सीमित नहीं करना है। यह इनकी, इनका जो कार्य था उसमें महत्वपूर्ण कार्य था। लेकिन लॉर्ड कॉर्नवालिस को हम स्थायी बंदोबस्त करने वाले के रूप में जानते हैं। अक्सर सवाल आता है कि बिहार में, बंगाल में स्थायी बंदोबस्त किसने किया था। जमीन का स्थायी बंदोबस्त होता था, जमीन को उसने लिया और जमींदारों को दे दिया, जमींदारों को दे दिया, पट्टे पे जमीन दिया, उसके साथ ही जो है उसने 10 बाय 11 इतना उसने टैक्स रखा। इसके अलावा हम देखते हैं कि जमींदारों को उसने कुछ अधिकार दिए। इससे क्या हुआ, कुछ ऐसे अधिकार मिले जिससे कंपनी को फायदा होने लगा। ये अलग बात है कि स्थायी बंदोबस्त से किसानों की स्थिति खराब हुई, लेकिन यह भी अच्छी बात है कि स्थायी बंदोबस्त से उपज में बहुत अधिक बढ़ोतरी हुई। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का स्थायी बंदोबस्त, हम यह नहीं कह सकते कि पूरी तरह से यह दुर्गुणों से भरा हुआ था या दोषपूर्ण था, इसमें भी कुछ अच्छी बात थी। और यह इसी कॉर्नवालिस इसीलिए विख्यात थे, फेमस है कि उन्होंने स्थायी बंदोबस्त लागू किया था। कहां लागू किया था, बंगाल और बिहार में। मैसूर युद्ध, तृतीय मैसूर युद्ध भी इनके समय में हुआ। तो इस तरह से कॉर्नवालिस के समय में हम देखते हैं कि इतनी सारी महत्वपूर्ण बातें हुई। लॉर्ड वेलेस्ली, ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण गवर्नर जनरल हुए। इनका नाम भी हम इसलिए ले सकते हैं क्योंकि इन्होंने सहायक संधि पर बल दिया। सहायक संधि क्या था, भारत में जो बहुत सारे रियासत थे, अवध हैं, सतारा हैं, सिख हैं, मराठा हैं, इनके साथ इन्होंने सहायक संधि की। सहायक संधि कोई नई चीज नहीं थी, पुराने समय से ही सहायक संधि का इस्तेमाल किया जा रहा था, लेकिन लॉर्ड वेलेस्ली ने जिस तरह से उसको यूज किया, कि कहा जाता है कि लॉर्ड वेलेस्ली ने ही सहायक संधि की शुरुआत की थी। उन्होंने जितने भी ये रियासत थे, जितने भी प्रांत थे, इन प्रांतों से एक संधि की। क्या संधि की, कि हमारी सेना आपके यहां रहेगी, उसका खर्च आप देंगे और आपको हमारी बात माननी पड़ेगी। कहने का अर्थ यह है कि सहायक संधि में ऐसी ऐसी बातें थी जो एक प्रकार से इन प्रांतों में या इन देसी राज्यों में ये ब्रिटिश सरकार की घुसपैठ को स्वीकार करती थी। इसी बहाने ये अंग्रेज इन देसी रियासतों में या इन प्रांतों में अपना हस्तक्षेप शुरू कर दिए और इसके साथ ही उनका जो है प्रभाव बढ़ता गया, जो भविष्य में इनके लिए बहुत फायदेमंद हुआ। तो इस तरह लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। हम देखते हैं सबसे पहले हैदराबाद के साथ उन्होंने सहायक संधि की, उसके बाद मराठा के साथ हम देखते हैं कि सालबाई की संधि, या कौन सी संधि थी, ये सब नहीं, सॉरी याद नहीं है,
हैदराबाद और मराठा के साथ उसने सैनिक सहायक संधि की और वहां पर अपना प्रभाव बढ़ाया। विलियम लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक को क्यों जाना जाता है? क्योंकि इनके काल में सती प्रथा का निषेध हुआ था, विरोध नहीं, सती प्रथा का निषेध या सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था। यह एक बहुत बड़ी घटना थी जो लॉर्ड बेंटिक के समय हुई थी और 1828 से 1835 तक यह भारत के गवर्नर जनरल बनकर के थे। साथ ही साथ हम देखते हैं इनके समय में ही मैकाले की शिक्षा नीति भी शुरू हुई। हम सभी जानते हैं कि मैकाले की शिक्षा नीति क्या थी, जो अंग्रेजी शिक्षा पर बल देती थी। इसका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत के लोगों को क्लर्क बनाना, ताकि वह कंपनी सरकार को, कंपनी को वो मदद कर सके, उनका काम कर सके। इसलिए ये मैकाले की शिक्षा नीति वह किस समय शुरू हुई थी? विलियम बेंटिक के समय। ये भी हमें याद रखना होगा। एक लॉर्ड हेनरी हार्डिंग थे, लॉर्ड हार्डिंग, इनको हम क्यों याद कर सकते हैं? इन्होंने क्या किया? इन्होंने बालिका वध पर प्रतिबंध लगाया था। उस समय बालिका वध बहुत आम हुआ करता था। साथ ही साथ हम देखते हैं कि कुछ प्रांतों में नर बलि भी होती थी, तो इन क्षेत्रों में भी जो है बहुत सारा प्रांत था मध्य भारत का जहां पे नर बलि दिया जाता था, उसे इन्होंने बंद करने का प्रयास किया और उस पर काम किया। अब हम बात करते हैं लॉर्ड डलहौजी की। लॉर्ड डलहौजी हम सभी जानते हैं, उनका नाम तो जरूर जानते होंगे क्योंकि उन्होंने काम ही कुछ ऐसा किया। सबसे पहले हम देखते हैं कि 1885 का चार्टर्ड एक्ट उन्होंने लागू किया। ये चार्टर्ड एक्ट तो बहुत बार लागू हुआ, ये जितने भी एक्ट बनते थे वो एक्ट कंपनी के हित के लिए बनते थे, लेकिन इसके साथ ही साथ उन्होंने जो काम किया वो सबसे महत्वपूर्ण है, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। इसको हम हड़प नीति के नाम से भी जानते हैं, हड़प नीति, हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति। इसके तहत डलहौजी ने एक नियम बनाया, एक कानून बनाया, जिसके तहत उसने कहा कि जिस राजा के यहां उसका पुत्र नहीं है, वह राजा के मरने के बाद वो राज्य जो है वह अंग्रेज सरकार के अधीन आ जाएगा ऑटोमेटिक। इसके तहत उन्होंने क्या किया, बहुत सारे राज्यों को अपने अधीन किया। इसमें सबसे पहले सतारा, जो नागपुर के महाराष्ट्र में है सतारा, उसको उन्होंने 1848 ईस्वी में अपने में मिला लिया। इसके बाद संबलपुर, संबलपुर को उन्होंने 1849 में अपने अधीन कर लिया। इसके बाद झांसी, झांसी को नागपुर, सॉरी झांसी को उन्होंने 1853 में अपने अंडर कर लिया, नागपुर को 1884 में अपने अंडर कर लिया, और इसके बाद अवध को उन्होंने 1856 में अपने अंडर कर लिया। तो ये हड़प नीति, हम सभी जानते हैं कि 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसमें हड़प नीति एक बहुत बड़ा कारण बना था, क्योंकि सतारा हो, नागपुर हो, झांसी हो, अवध हो, इन सारे राज्यों को इस आधार पर अंग्रेजी राज्य में मिला लेना कि इनके पास इनका अपना कोई पुत्र नहीं है, इसलिए इन राज्यों को अपने में मिला लिया जाएगा, यह एक बहुत बड़ा अन्याय था। बहुत मतलब ये क्या कहें, ये गवर्नर जनरल की जो है बहुत लालची वाली नीति थी, जिसका विरोध करने के लिए ये सारे राज्य हम देखते हैं कि किस तरह इन लोगों ने अंग्रेजों के विरुद्ध अपनी एक गुट बना ली थी। 1857 के विद्रोह में ये हड़प नीति एक बहुत बड़ा कारण बना था। हड़प नीति में हम क्या क्या देखते हैं, सतारा, नागपुर, झांसी, अवध, ये सारे राज्य थे जो मिला लिए गए थे हड़प नीति के तहत।
इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि रेलवे जो पहली बार रेल चली बॉम्बे से ठाणे, हम सभी जानते हैं कि ये 18 18 83 में चली थी, और तार यानी कि टेलीग्राम या डाक व्यवस्था, ये सारा कुछ तार व्यवस्था जो है आगरा से कलकत्ता से आगरा के बीच तार सेवा शुरू हुई, टेलीग्राम सेवा शुरू हुई, डाक सेवा शुरू हुई, ये सब काम हम ये नहीं कह सकते कि लॉर्ड डलहौजी ने हम लोगों के लिए की थी, भारतीयों के लिए की थी। ये व्यवस्था उन्होंने अपने लिए की थी, क्योंकि रेलवे, टेलीग्राम और ये पोस्टल डिपार्टमेंट उनके लिए बहुत आवश्यक था अपने साम्राज्य को बड़ा करने के लिए। लेकिन गाहे बगाहे भारतीयों का भी कल्याण हो गया, वो अलग बात है। इसके साथ ही हम क्या देखते हैं कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, इसे भी लॉर्ड डलहौजी ने शुरू किया था। ये हम कह सकते हैं कि एक प्रकार का सामाजिक सुधार था जो उन्होंने किया था, लेकिन यह एक बहुत बड़ा कारण बना था 1857 के विद्रोह का, क्योंकि भारतीयों को ये अधिनियम पसंद नहीं आता है। वो अपने जो विश्वास है, अपना जो रीति रिवाज है, उसके विरुद्ध इसको मानते थे, और इस तरह से डलहौजी के इतने सारे काम उसके विरोध में चले गए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि कंपनी काल में तो बहुत सारे गवर्नर जनरल आए, लेकिन इन गवर्नर जनरल की इन बातों के कारण ये जाने जाते हैं। इसीलिए आप इसे शुरू से लेकर अंत तक देखिए और इसका फायदा उठाइए। धन्यवाद।